हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके साथ अपनी कुछ पुरानी यादें शेयर करने वाली हूँ। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो मुझे अपने घर 6 महीने पूरा रहने के बाद ये मुझे जब लेने आए थे तब का सीन है। और हम लखनऊ से इंदौर जा रहे थे तो रास्ते का बहुत ही प्यारा सीन था, तो मैंने अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया था। बहुत ही प्यारा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा। और मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ क्योंकि मुझे कुछ याद आ रहा है। मैं पिछले 1 साल से अपने घर पे ही थी, अपने पति से दूर थी, तो अचानक से मुझे ये वीडियो मिला और मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और ये हमारी ट्रैवलिंग है क्योंकि हम अपनी ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ट्रेन से ट्रैवल करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग भी इंजॉय करिए, बहुत ज़्यादा हरा भरा व्यू आपको देखने को मिलेगा। और पता नहीं कब हम लोगों को अब जाने को मिलेगा, अभी तो कुछ पक्का नहीं है कि कब मैं अपने ससुराल जाऊंगी। और यहाँ पे हमारा स्टेशन आने वाला है, इंदौर स्टेशन पे हम उतर कर अब जाएंगे अपने गांव जहाँ पे मेरी है ससुराल। और लॉकडाउन की वजह से हमें कोई भी साधन नहीं मिला था, कोई बसें वगैरह नहीं चल रही थी, तो हमने अपना पर्सनल ऑटो बुक किया था तो उसी से हम लोग गांव पहुँचे थे। काफ़ी थकाऊ भरा था वो ट्रैवल। और ये हमारे मिर्ची का खेत है, उस टाइम पे मिर्ची लगाई थी तो ये वीडियो भी इसी में मैंने डाल दी थी। और यहाँ आपको मिर्ची के खेत दिखाई दिए होंगे, यहाँ पे मैं मिर्ची तोड़ रही थी। मैंने कभी भी खेत में ऐसा नहीं देखा है, तो मैं कभी कभी जाती हूँ जब मज़दूर हमारे काम करते हैं खेतों में, तो इन्होंने मुझे चैलेंज दिया था कि कितनी देर में कितनी मिर्ची तोड़ सकती हो, तो मैं वही इनको बता रही थी कि मैं भी मिर्ची तोड़ सकती हूँ, पर बहुत ज़्यादा नहीं जैसे मज़दूर तोड़ते हैं क्योंकि मैं कभी भी खेत में नहीं गई हूँ। और ये बहुत ही प्यारे प्यारे मिर्ची लगी हैं हमारे खेत में, लगी थी क्योंकि पुराना वीडियो है, अभी तो कपास लगाई है। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये छोटा सा वीडियो, और मेरी यादें बहुत याद आ रही थी तो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ।